हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पूजास किचन। आज मैं बनाऊंगी पंजाबी दाल मखनी, जो कि सभी की बहुत ही फेवरेट होती है और इसमें दाल और मक्खन का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब लगता है। यह दाल मखनी कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके बहुत इजीली बनाई जा सकती है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम खड़ी उड़द की दाल ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के रखा है। 100 ग्राम राजमा लिया है, इसे भी हमने अच्छी तरह वॉश किया है और इसे भी 7 से 8 घंटे भिगा कर रखा है। 100 ग्राम बटर लिया है, जिसे हम पूरी दाल मखनी बनाते टाइम यूज़ करेंगे। 3 टमाटर की प्यूरी ली है, 2 ऑनियन का पेस्ट लिया है, फ्रेश क्रीम ली है जिसका यूज़ हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए करेंगे। सबसे पहले हम दाल और राजमा को बॉईल करेंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, जिसमें भीगी हुई उड़द की दाल को डालेंगे और राजमा को डालेंगे और 3 कप पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और उसे कवर कर 10 विसल आने तक बॉईल करेंगे। और 10 विसल आ चुकी है, अब देखेंगे कि हमारा राजमा और दाल अच्छी तरह से बॉईल हुआ है या नहीं है। देखिए, अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही बॉईल करना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम दाल के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर को हम अच्छी तरह से पिघलने देंगे। अब उसके बाद उसमें हम 1 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और उसे सॉटे करते हुए भूनेंगे। देखिए, हमारा जीरा भून चुका है। अब इसमें हम ऑनियन पेस्ट डालेंगे और उसे सॉटे करते हुए अच्छी तरह भूनेंगे, जब तक कि उसका कलर अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। नेक्स्ट उसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे सॉटे करेंगे। ऑनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें अच्छी तरह भूनते रहना है, जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब उसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और उसे सॉटे करते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे सॉल्ट एस पर टेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे। ग्रेवी को हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूनेंगे, जिससे कि सारे मसाले ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमारी ग्रेवी तेल छोड़ने लगी है और अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम उड़द की दाल और राजमा को ऐड करेंगे और अच्छी तरह सॉटे करते हुए मिक्स करेंगे। दाल और राजमा को हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का दबा दबा कर थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे
ताकि उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरह से दाल में मिक्स हो जाए। अब उसमें हम 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। अब दाल को हम 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी दाल मखनी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके लिए हम तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। उसमें हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह सॉटे करके उसका तड़का रेडी करेंगे। तड़के को हम दाल मखनी में डालेंगे और देखेंगे कि हमारी दाल मखनी का कलर कितना अच्छा आया है। और हमारी दाल मखनी एकदम रेडी है। अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। और लास्ट में हम उसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और थोड़ा मक्खन ऐड करेंगे। जिससे कि हमारी दाल मखनी में मक्खन और क्रीम का फ्लेवर बहुत ही निखर के आएगा और यह खाने में बहुत ही क्रीमी और लाजवाब लगेगी। अब हमारी पंजाबी दाल मखनी खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसे चपाती, नान, राइस किसी के भी साथ खाइए और इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये दाल मखनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।